नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, आज हम लोग गौतम बुद्ध नगर के रुस्तमपुर गांव में आए हैं। ये गांव यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे, यमुना अथॉरिटी का जो सेक्टर 21 पड़ता है उसी के पास ये गांव है। और इस गांव की चर्चा हम लोग आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी टाइम से एक नारायण पब्लिक स्कूल यहाँ चल रहा है और वो स्कूल आजकल अपनी एक नई चीज़ के लिए खासी चर्चा में है। और दोस्तों, हम लोग भी आज उस चीज़ को जानने के लिए आए हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि एजुकेशन में हम लोग फाइव सेंस पे काम करते हैं, फाइव सेंस एजुकेशन होती है, लेकिन ये स्कूल अपने आप में एक नई शुरुआत करने जा रहा है जिसको हम लोग सिक्स सेंस एजुकेशन बोलते हैं, जो एक्टिवेशन का काम करती है। तो यहाँ अभी स्कूल के बच्चों को सिक्स सेंस एक्टिवेशन का जो एजुकेशन है वो दी जा रही है। तो यहाँ कुछ बच्चे इन्होंने अभी ट्रेंड किए हैं और नए सेशन में ये इस एजुकेशन को लेकर शुरुआत कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आपको दिखाते हैं और मिलाते हैं ऐसे नायाब बच्चों से जो अपने आप में एक अलग हैं। तो आइए। तो दोस्तों, ये है नारायण पब्लिक स्कूल का प्रांगण। ये भव्य इमारत अपने आप में कुछ अलग बयां करती है। तो आइए हम लोग मिलते हैं यहाँ के बच्चों से जो बच्चे सिक्स सेंस एजुकेशन पर भी काम कर रहे हैं और उसमें अपनी एक अलग महारत उनको मिली है। तो जानते हैं हम लोग कि वो लोग सिक्स सेंस एजुकेशन जिस पर वो काम कर रहे हैं उसमें क्या एक अनोखा अंदाज है, क्या अनोखी टेक्निक है। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, नारायण पब्लिक स्कूल ने अभी 6 बच्चों को सिक्स सेंस एक्टिवेशन एजुकेशन पर काम किया है, उनको सिखाया है। तो उनमें से 2 बच्चे अभी हमारे पास हैं, तो हम लोग बात करते हैं उन बच्चों से कि सिक्स सेंस जो एक्टिवेशन है उससे उनको क्या बेनिफिट्स हुए हैं और क्या क्या चीज़ें वो सीखे हैं। तो अभी उन बच्चों से हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी क्लास के हैं, क्या उनके नाम है। तो बेटा, क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी, तो साक्षी अभी किस क्लास में पढ़ते हो? आई एम इन 10th। 10th क्लास में है। तो आपने सिक्स सेंस एक्टिवेशन जो है वो सीख लिया है? जी। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? सिम्मी सिंह। सिम्मी सिंह, तो आप अभी कौन सी क्लास में हैं? सर, 10th क्लास में। अच्छा, आप दोनों 10th क्लास के हो? यस। अरे, ये तो देखने में बड़ी लगती है आपसे, हैं? यस सर, डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस है, चलिए अच्छा है। तो अभी हम लोग एक एक करके इनसे पूछते हैं कि इन लोगों ने क्या सीखा है सिक्स सेंस एक्टिवेशन में। तो बेटा, अभी आपने क्या सीखा है? सिक्स सेंस एक्टिवेशन क्या है और उससे आपने क्या क्या चीजें सीखी? सिक्स सेंस एक्टिवेशन में हमारी जो थर्ड आई होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, जो हमें स्मेल के हेल्प से फिर वो कलर हमें फील होता है और हम रीडिंग ब्लाइंड फोल्ड करके रीडिंग कलर, कोई भी कलर बता सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या कलर है वो बता सकते हैं, पैर से रीडिंग कर सकते हैं और हाथ से रीडिंग कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी थर्ड आई जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है, तो उससे आप बिना देखे पढ़ सकते हैं और जो भी प्रॉप्स हैं उनको आप पहचान सकते हैं। अब बेटा, आप क्या क्या जानते हैं इस बारे में? सर, इससे ऐसा कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। सर, मैं भी ऐसा सर, इससे कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। सर, मैं भी सर इसी चीज़ को कर ले, रीडिंग कर सकते हैं सर, कोई भी करेंसी का नंबर कलर बता सकते हैं, नंबर बता सकते हैं और रीडिंग कर सकते हैं सर, हाथ से और पैरों से। मतलब आप लोग जो है कलर्स बता सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं और मतलब बिना देखे जो है ये 4-6 चीज़ें आपको सिखाई गई हैं। तो जो आपके टीचर्स हैं वो आपको क्या बता रहे हैं कि और आगे आपको क्या क्या चीज़ें सिखा सकते हैं? सर, आगे वो सर हमें सर दीवार के पार देखना, मतलब दीवार के बाहर भी जो है मतलब उसको क्रॉस, मतलब आप देख सकते हैं बिना उसको पार किए हुए हैं। अच्छा, कितना टाइम अभी आपको हुआ है सिक्स सेंस एक्टिवेशन पर? सर, 6 months। 6 months में आप लोग इतना कुछ सीख चुके हैं। अच्छा, तो बेटा आपका क्या नाम बताया? साक्षी। साक्षी, आप मुझे बताओ कि सिक्स सेंस एक्टिवेशन जो है इसमें जो आपके टीचर्स हैं वो आपको किस तरीके से जो है इस चीज़ को सिखाते हैं जिससे कि आपको जो है बिना देखे आपको ये सेंस डेवलप हो रहा है, उसका प्रोसेस क्या है? थोड़ा सा एक दो चीज़ हमें समझाने की कोशिश करेंगे।
इसमें मेडिटेशन का सबसे मेन रोल है, हमें मेडिटेशन इसमें करनी होती है जिसकी हेल्प से हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। लाइक हमें फोकस अपना बढ़ाना होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी होती है, तो उसके लिए हम कोई भी लाइट पे फोकस कर सकते हैं, उससे हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी तो हम कर पाते हैं ऐसे। फिर तो बेटा अभी हम लोग आपसे जो है कुछ चीजें कराएंगे जैसे आप बता रहे हो, तो बेटा पट्टी बांधिए आप जरा इनके इसमें आंखों में, अभी ये बच्ची की आंखों पे पट्टी बंधेगी और इनसे इन्होंने अभी हमें बताया है कि हम लोग बिना देखे पढ़ सकते हैं, बिना देखे कलर सेंस बता सकते हैं और प्रैक्टिकली जो है ये तीन चार चीजें जो करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा ग्रीन कलर का है, अच्छा और ये ऑरेंज, तो ये क्या अभी कुछ स्मेल से पता चल रहा है इसमें कॉन्सेंट्रेशन ही है इस तरीके की? अच्छा दोनों है, अच्छा ये क्या है? अच्छा ये येलो फाइव नंबर है, ओके। अच्छा अभी ये क्या है? अच्छा देखिए दोस्तों ये जो कार्ड है देखिए आप, इसमें एक तरफ से येलो फाइव है और दूसरी तरफ से यू एन ओ जो पिंक और ब्लैक और येलो कलर का है, तो ये बच्ची जो है अभी बता रही है ऐसे ही। अच्छा ये बताइए बेटा, ये अच्छा ये पेन भी जो है इस बच्चे ने बताया है कि ब्लैक और सिल्वर कलर का है, तो ये बड़ी यूनिक टेक्निक अपने आप में है। अभी हम इस बच्चे से भी और कुछ पूछते हैं। बेटा ये बताइए ये क्या है, जरा देखिए इसको। टेन रुपीज नोट, इसका नंबर वगैरह कुछ बता सकते हैं आप? जी 9 1L 5 4 8 7 3 2। देखिए दोस्तों ये अपने आप में बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, आप देखिए इसमें ये नंबर आपको पता चलेगा जो तो ये नंबर बताया है बच्चे ने, आप देखिए इसको नंबर क्या था, 5 4 8 7 3 2। जी जी ये 10 नंबर है, ये 10 10 का नोट है, तो ये बच्चे ने इसने बताया है। तो ठीक है बेटा अभी हम जो बच्ची दूसरी बैठी हुई है अभी इससे बात करेंगे, तो बेटा पट्टी खोलो और इधर लगाओ। क्या नाम बताया आपने अपना? सिम्मी सिंह। सिम्मी सिंह रेडी, लीजिए बेटा। पिंक 3। अच्छा ये पिंक 3 है, ये देखिए बेटा इधर रेड येलो ब्लैक UNO। ये देखिए दोस्तों इस पर ये विजिटिंग कार्ड वही है, ये इधर पिंक 3 नंबर है और ये UNO जो सेम उसी में लिखा हुआ है ब्लैक रेड और येलो कलर में, तो ये बच्ची भी इसको बता रही है। अब आप देखिए ये बेटा क्या है? येलो 6। येलो 6 है, यस सर। और अभी आप देखिए क्या है? येलो 9। देखिए अभी ये बच्ची जो है मैंने इसको ये विजिटिंग कार्ड जो है पहले तो 6 नंबर की तरफ से दिया, फिर ये मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये 9, मतलब ये यूनिक है कि ये बच्ची जो है ये तो मुझे लग रहा हाथ भी नहीं लगा रही इसको, उसी से ही सेंस से ही बता रही है, ये अपने आप में बड़ी यूनिक चीज है। और ये बेटा बताइए ऑरेंज, ये येलो, ये कौन सी है? पिंक ऑरेंज, ये कौन सी है? ऑरेंज। देखिए मैं जो है बार बार उसको भी पूछ रहा हूँ तो ये एक्चुअल में उन सब चीजों को बता रही है। तो अभी हम लोग ना इनके पैर से जो है कोई भी न्यूज़पेपर हम लोग अभी रखवाएंगे और ये पैर से उसको पढ़ के बताएंगी। प्राइवेट स्कूलों की कामयाबी
का एक नया अध्याय। देखिए व्यूअर्स दोस्तों, इन्होंने अभी जो है ये पढ़ के हमें बताया है प्राइवेट स्कूलों की कामयाबी का एक नया अध्याय। ये बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं नारायण पब्लिक स्कूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मनोज कुमार जी, तो इनके लिए जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोग देंगे। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे सिक्स सेंस एक्टिवेशन एजुकेशन की, तो हम लोग अभी नारायण पब्लिक स्कूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मनोज कुमार जी, तो उनसे जानते हैं कि भाई ये सिक्स सेंस एक्टिवेशन जो एजुकेशन है इसका क्या प्रारूप है और इस एजुकेशन से क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके जो है बच्चों को आने वाले टाइम में फायदे मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर नारायण पब्लिक स्कूल मनोज कुमार जी से। जी मनोज कुमार, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवार जी, आपने समय दिया हमें। धन्यवाद देने के तो बहुत बहुत आपको बधाई। अच्छा आप ये बताइए एमडी साहब के नारायण पब्लिक स्कूल आप लोग यहाँ कितने टाइम से रन कर रहे हैं? हम 2011 से स्कूल रन कर रहे हैं और 2014-15 के सेशन में हम लोगों की एप्लीकेशन हुई थी सीबीएसई बोर्ड से। साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज तीनों साइड हमारे पास है, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल चलाते हैं। और कोरोना काल आया, कोरोना काल में हम लोगों ने बच्चों पर काम करना स्टार्ट किया। हम लोग ऐसे ही कोरोना काल में सभी लोग घर में बंद थे तो हम लोग भी उसमें घर में ही थे। हमने जब नेट पर सर्च कर रहे थे हम लोग तो हमने वहाँ देखा कि सिक्स सेंस एक्टिवेशन उसमें कुछ आ रहा था लिखा हुआ, तो हमने जब उसकी डेप्थ में गए हम लोगों ने धीरे धीरे उसमें जानकारी जुटानी स्टार्ट की। अच्छा आप मतलब सिक्स सेंस एक्टिवेशन जो एजुकेशन है वो आपने उसको नेट पर देखा और नेट पे देखने के बाद उसके प्रति जागरूक हुए और फिर उस पर काम स्टार्ट किया? हम लोगों ने उस पर काम स्टार्ट किया, हमने ट्रेनर अपने ही ट्रेनर हमने तैयार कराए, उनसे ऑनलाइन हमने कुछ ट्रेनिंग ऑनलाइन दिलवाई, कुछ फिजिकली जाकर के वहाँ पे गुजरात से हम लोगों ने किया, कुछ गोरखपुर से, एक हमें छोटा सा पॉइंट गोरखपुर भी मिला। अच्छा ये बताइए ये सिक्स सेंस एक्टिवेशन जो एजुकेशन है ये है क्या? ये दरअसल में हम लोग जो नॉर्मल इंसान के फाइव सेंस काम करते हैं, ये जो बच्चे हैं जो जिन्होंने इतिहास रचे हैं महापुरुषों ने, जैसे आइंस्टीन हुए, आपका आपका ये क्या कहते हैं, काफी लोग उसमें हुए हैं, एक पृथ्वीराज चौहान का भी हम लोग वर्णन सुनते थे कि शब्द भेदी बाण और बहुत लोग इस तरीके की एक्टिविटी रहती थी। स्वामी विवेकानंद हुए हैं, बहुत सारे महापुरुष इस तरह के हुए हैं जिनके जो प्रॉपर सिक्स सेंसेस काम करते थे। तो हम लोगों ने इसमें जब डेप्थ में गए तो हम लोगों ने फिर ये काम करना स्टार्ट किया इस पर, और आज उसी का परिणाम है कि बच्चे हमारे उस पोजीशन पे आ गए हैं कि आप उनसे कोई भी कलर पूछ सकते हैं, आपका किसी भी करेंसी को बता सकते हैं, वो उसकी आपका उस पर जो भी करेंसी नंबर है वो बता सकते हैं, आपका पैरों से पढ़ सकते हैं, हाथों से पढ़ सकते हैं, और आने वाला जो इनका समय है, जो नेक्स्ट स्टेप है इनका, वो दीवार के आगे की साइड का भी देख करके बता सकते हैं। अरे वेरी गुड, ये तो अपने आप में बड़ा यूनिक है और ये तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत पौराणिक टाइम से इस तरीके की गतिविधियां रही हैं, लेकिन बीच में कुछ समय ऐसा रहा कि इस तरीके की एक्टिविटी लुप्त हो गई, लेकिन अगर इस तरीके की शुरुआत की जाती है तो अपने आप में एक सराहनीय है, क्योंकि ये चीज़ मानव जीवन में जो भी बच्चे यहाँ से सीख के जाएंगे उनको पूरी जिंदगी बड़ा काम देगी, तो ये तो बड़ा अच्छा आप कार्य कर रहे हैं पवार जी। इसमें सबसे बड़ा जो लाभ हुआ है ना इन बच्चों को, सारे प्रैक्टिकल हमने इन्हीं बच्चों पर, छह बच्चों पर करके देखा पहले, और इन्हें बहुत बड़ा लाभ जो हुआ वो एजुकेशन में हुआ है।